देखते जाइए राजभर क्या है आगे करके। देखिए कल तक आप लोगों का सवाल आता था कि शिवपाल जी साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने देखा। फिर सवाल आप लोगों का आने लगा कि क्या जयंत चौधरी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी आ गए। कल तक ये अफवाह थी कि राजभर जी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी आ गए। किशोरा पटेल के संबंध में सवाल करते थे आप लोग, वो भी आ गए। प्रेमचंद प्रजापति आ गए, बाबूराम पाल आ गए, रामसागर बिंद आ गए, रामतन कश्यप आ गए, हमारे जितने भी लोग हैं सब लोग आ गए हैं। और देखते जाइएगा गठबंधन का खेल कितना सफल होगा। 50 दलों को मिला के मोदी जी देश में सरकार बना रहे हैं, बनाए ना। और उत्तर प्रदेश में राजभर ही भाजपा की सरकार बनवाया था और राजभर ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगा। राजभर साहब, यूपी में मोदी साहब कह रहे हैं योगी यूपी प्लस योगी उपयोगी, तो आपको क्या लग रहा है उपयोगी है कि नहीं? अनुपयोगी है। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन, पिछड़ों का लूट लिया। महंगाई को उठा के आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 16 पेपर हुए हैं, 16 पेपर और 16 पेपर लीक हो गए। आप बताइए जो अपना लीकेज नहीं बंद कर पा रहा है तो क्या उपयोगी है वो? और जो पिछड़ों दलितों का हिस्सा लूट रहा हो वो उपयोगी है? 1700 थाने में 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी शेड्यूल ट्राइब की है, क्या इनको हिस्सा दिया इन्होंने? 75 जिले हैं, 826 ब्लॉक है, 18 कमिश्नरी है, क्या इनको दिया? अभी एसआई की भर्ती भी 2 साल से रोके हुए हैं, यही उपयोगी हैं, ये अनुपयोगी हैं। पुलिस की भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, फोर्स की भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, ये खाली जब यहाँ बाधा से बलिया तक गंगा जी में लाश तैर रही थी तो ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। जब यहाँ लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए तरस रहे थे तो ये बंगाल में वोट मांग रहे थे। इनको ज्ञान नहीं था कि हम अपने प्रदेश को खुशहाल कैसे रख सकें, इस आपदा से कैसे बचा सकें, ये कहाँ उपयोगी हैं? ये तो मोदी जी ने साफ साफ, मोदी जी दुअर्थी भाषा बोलते हैं, मोदी जी के जबान में 2 मुंह है। मोदी जी ने कहा था कभी कि हम देश बेचेंगे, देश बेचे हैं। मोदी जी कहे थे, अभी कह के गए हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी है। इस नाते कि आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में देखा, मोदी जी ने योगी जी को पैदल कर दिया जब पूरे देश में किरकिरी हुई। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ प्राइम टाइम में एक ही खबर दिखाएंगे और ये खबर है बहुत ही बड़ी। दरअसल कश्यप अधिकार सम्मेलन में मंच अचानक भड़बड़ाकर गिर गया। आप हमारी खबर अंत तक जरूर देखें और देखें कैसे गिरा मंच और मंच में कौन कौन गिरा। अब पहले खबर सुनते हैं। खबर कुछ इस प्रकार है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी के चल रहे कश्यप अधिकार सम्मेलन में अचानक मंच भड़बड़ाकर गिर गया, जिसमें भारी भरकम नेता चुटिल हो गए और बाद में अकेले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ही बोले और सभी नेतागण को नीचे उतार दिया गया और मंच टूटे भी कैसे नहीं, सभी को मंच पर जगह चाहिए। क्षेत्र के ग्राम मोहद्दीपुर में कश्यप सम्मेलन का आयोजन था जिसमें कुछ नेता का नाम बुलाया गया और कुछ मंच पर बिना नाम बुलाए ही चढ़ गए और ऐसे चढ़े कि मंच ही छिंदरा छिंदरा हुई गवा। तो अब हम बताएं आपको कि कौन कौन मंच से गिरा। सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, अरशद जमाल सिद्दीकी, पूर्व विधायक अजीत कठेरिया, डॉक्टर सुबोध यादव, महेंद्र सिंह कटियार और लोगों को हम नहीं जानते। अचानक मंच से गिरने से भगदड़ मच गई, नेताओं को चोटें भी लगी और बाद में सभी नेता मंच से नीचे उतर गए। कई नेताओं को चोटें आईं, आगे आप देखेंगे मंच कैसे भड़बड़ा के गिर गया। पहले ही आप लोगों को सचेत किया गया था, डॉक्टर सुबोध यादव जी, डॉक्टर जितेंद्र यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी के अलावा सभी लोग मंच छोड़ दे, सभी लोग मंच वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आराम आराम से देखें, बिना स्किप करे देखें। मंच से गिरने के बाद कई नेताओं के चोटें आईं, किसी ने अपनी चोटें बताई, किसी ने बिल्कुल नहीं बताई।
और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंच के टूटने के बाद अकेले ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा को जनपति इस तरह हम लोगों ने 12 लोगों को जोड़ा और हम लोगों ने बलिया से शुरू किया एक अभियान, बलिया से शुरू किया और धीरे धीरे जब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले थे तो माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और राजभर ने कहा भाजपा एक ही एजेंडा है कि जनता से झूठे वायदे करना, जातिवाद को हिंदू मुस्लिम में बांटना, अब गणित लगाया जा रहा है कि कैसे बांटा जाए। राजभर ने दहाड़ कर कहा कि भाजपा को दफना कर ही दम लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार जातीय जनगणना करने से बच रही है, जब जानवरों की गणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि नारा था कि देश नहीं बिकने दूंगा और उसके बाद रेलवे, LIC, BSNL और बैंकों को ही बेच दिया। उन्होंने मंच से सीधे सीधे कहा कि जब अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे और जैसे ही शपथ लेंगे 300 यूनिट बिजली निशुल्क बिजली की घोषणा की। पाकने लगे तो कहे साहब यहाँ तो कम से कम 200 लाख लोग आए हैं, हमके ही सोच ला बलिया के ददरी का मेला और इलाहाबाद के कुंभ लगोले ही अब यह लोग जात हुआ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विदाई आ नहीं सकता है। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी छटपटाहट में है। यहाँ राकेश में ये राजभर क्या करता है, हम तो साफ साफ बात कहते हैं उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, कहीं कश्यप का बेटा, बिंद का, निषाद का, नाई का, गुणोर का, लोहार का बेटा, पाल का, प्रजापति का, सैनी का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साई का, दर्जी का, फकीर का बेटा, और वो थाने पर दरोगा बा कहे बजे खाली वोट देगा तो मशीन है। उन्होंने कहा कि जब तक जातिवाद गणना नहीं कराई जाएगी तब तक विकास नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखें मंच कैसे टूटा। मंच के टूटने के बाद अकेले ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा को जमकर धोया। चाहे वो कश्यप मौर्य, प्रजापति पाल, श्रीवास्तव, चाहे किसी समाज के हो, पिछड़ों के, खास तौर से पिछड़े समाज के लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम। उन्होंने मंच से सीधे सीधे कहा कि जब देश एक है तो शिक्षा एक क्यों नहीं, अमीर का बेटा कहां से कंप्यूटर व गरीब का बेटा कहां से कबूतर पड़ेगा, सपा सरकार के आने के बाद एक समान शिक्षा को मंजूरी दी जाएगी। पहले ही आप लोगों को सजेस्ट किया गया था, पहले ही आप लोगों को सजेस्ट किया गया था डॉक्टर सरोज यादव जी, डॉक्टर जितेंद्र यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी के अलावा सभी लोग मंच छोड़ दें, सभी लोग मंच से नीचे, ये मंच टूट जाएगा। पुत्र आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कृपया मंच को छोड़ दें। इतने अनुरोध के बावजूद तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर के साथ। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि हम जल्द लौटें किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।